ओके देन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक पे जाने के पहले आप लोग के साथ मैंने कुछ डिस्कशन किया था जनरल वाला इन रिलेटेड टू सब्जेक्ट एससीएमपी, क्या कितने सारे चैप्टर्स हैं, क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल, क्या केस स्टडी है, इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न कैसा है, इंस्टीट्यूट कैसे उसको अप्रोच करता है, एंड देन फिर अपन ने अपना अप्रोच डिसाइड किया इन टर्म्स ऑफ द बुक्स दैट वी हैव, इन टर्म्स ऑफ कैसे अपन मॉड्यूल, पास्ट पेपर्स, समरी, थ्योरी, केस स्टडी कैसे उसको मैनेज करेंगे, एंड एट द सेम टाइम बेसिक्स से जाके बिल्डअप करते जाएंगे, एंड 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 मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक चीज अपने को कवर करनी है। सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द जर्नी? कम ऑन एवरीबॉडी, जो भी लाइव में है प्लीज बताइएगा, एंड गूगल ड्राइव वालों आप लोग भी पूरा टाइम एक्साइटेड रहिएगा, एंड लेट मी नो हाउ थिंग्स आर वर्किंग एट योर एंड। चलो, सो अब मैंने आप लोग को ब्रेक पे जाने के पहले बोला था कि अपन स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, बट थोड़ा सा मैं कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूं, मैं यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग कल से स्टार्ट करूंगा। आप पूछोगे क्यों सर? तो कुछ लोगों को बुक्स नहीं मिली है, ठीक है, तो वो लोग अभी पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, तो अभी आप लोग वो पीडीएफ डाउनलोड करोगे, कुछ लोगों का हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, चिल मार दे, कल आप लोग सब डाउनलोड करके रखना वो पीडीएफ, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन का बात नहीं है। तो आज इसको मैं साइड पे रखता हूं, आज अपन लोग कंटिन्यू करेंगे विथ सम बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग जो अपने को काम आएगा आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। सो अभी फिलहाल मेरे को आप लोग की तरफ से बुक का जरूरत ही नहीं है, सो आप लोग के पास से फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमाइज्ड है तो अच्छी बात है, ये बुक आप लोग को मिलने वाला है बहुत जल्द, ये बुक आप लोग को मिलने वाला है बहुत जल्द, तो अगर आप लोग के पास ये बुक है तो वेल एंड गुड, अगर ये बुक आप लोग के पास नहीं है तो भी अभी का सेशन के लिए कोई टेंशन नहीं है, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, इन केस वो अभी आप लोग से डाउनलोड नहीं हो रहा है या थोड़ा आप लोग लग रहे हैं सर टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, कोई टेंशन नहीं, रात तक डाउनलोड कर लोगे, कल मॉर्निंग तक डाउनलोड कर लोगे तो भी चलेगा, फिर अपन कल जब स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग तब मेरे को उसकी जरूरत लगेगी, अभी अभी, और मेरी टीम को भी मैं कल सुबह बोल दूंगा, वो लोग आप लोग को मेल कर देंगे पीडीएफ का लिंक, जिसको भी बुक नहीं मिला है उसको एटलीस्ट पीडीएफ का लिंक कल मॉर्निंग में मेल हो जाएगा, तो आप लोग वो डाउनलोड कर लोगे ना पूरा चैप्टर, तो वो आप लोगों को फिर सेटिस्फेक्शन रहेगा, ठीक है। सो टेंशन का काम नहीं है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर आपके टेलीग्राम चैनल का नाम, अरे भाई अभी तो लिखवाया था, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। सो नाउ तो सर अभी अपन क्या करने वाले हैं, तो अब मैं आप लोग के साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सेट करने वाला हूं। बुक हैवी है क्या? क्या क्वेश्चंस पूछते हो तुम लोग यार, तुम कमाल करते हो। अभी फिलहाल कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये अगर तुम लोग को लिखना तो बाद में डाउनलोड करके लिख लेना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा खाली एक आइडिया दे रहा था तुम लोग को, तो इसके लिए मैंने लिखवाने का टाइम भी नहीं दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं सर जी, अब आप क्या कराने वाला है? सो आ जाइए, अब मैं बोलता है 2.5 किलो का है बुक, तो अब मैं आप लोग के साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाला हूं। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा सेशन है ना, मेरा सेशन उसमें जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है ना तो मुझे मजा नहीं आता, और तुम लोग तो इतने सारे लोग हो तो ऑब्वियसली टू वे कम्युनिकेशन हो ही रहा है, तो आई थिंक तो ही मजा आएगा ना, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए मैं आऊं पढ़ाऊं आप लोग डाउट पूछो मैं जवाब दू नहीं दू और चले जाओ, ना ऐसा थोड़ी ना, अपन क्या करेंगे इसको टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे, तो क्या मैं आपको कोई सवाल पूछूंगा तो आप लोग की तरफ से जवाब एक्सपेक्ट करूं? यस। अभी फिलहाल कुछ भी नोट्स वोट्स कुछ मत बनाओ, मैं जब बोलूंगा तब बनाना, ठीक है। तो अब मैं आप लोग के साथ फिलहाल जो ट्रांसफर प्राइसिंग करने वाला था वो मैं कल स्टार्ट करने वाला हूं, फ्रेश लेक्चर फ्रेश स्टार्ट। तो अब क्या करने वाले हो सर, अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, ऑफ कॉस्टिंग। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं करवाने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल के थ्रू आज अपन लोग जाते जाते एक कॉन्सेप्ट को डिराइव करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अपन लोग यूज करने वाले हैं फुल एससीएमपीई में, स्पेशली जब अपन एक चैप्टर करेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम तब तो अपने को यूज करना ही है, उसके अलावा भी पूरे एससीएमपीई में ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपन को यूज करना ही करना है। तो क्या है वो एग्जाम्पल जिससे मेरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और क्या है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं अभी डिराइव करने वाला हूं, आइए अपन लोग इसको डिस्कस करना चालू करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट।
ओके नाउ सर वी हैव टू राइट दिस नो, अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आज के सेशन में, फ्रेंकली स्पीकिंग बोल रहा हूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस आप लोग का दिमाग मुझे चाहिए, आप लोग का एक्साइटमेंट चाहिए। आज मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा लिखवा के एकदम मतलब बर्डन नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू कीप इट लाइट टूडे, फर्स्ट सेशन है एंड बोलते ना हंसते खेलते अपने को ये सब्जेक्ट को टेक फॉरवर्ड करना है, राइट। चलो आओ, मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल आ रहा है और इस एग्जाम्पल के लिए मुझे चाहिए तीन दोस्त। क्या यहां पे मुझे तीन दोस्त मिल सकते हैं? क्या यहां पे मुझे तीन दोस्त मिल सकते हैं क्या? एवरीबॉडी, क्या मुझे तीन दोस्त मिल सकते हैं क्या? यस, नाम चाहिए मुझे, तीन दोस्तों का नाम चाहिए इमीडिएटली। सो थ्री फ्रेंड्स इज व्हाट आई वांट। क्या ऐसा कोई ग्रुप है यहां पे जो तीन फ्रेंड्स है? नहीं है तो बता दो। सब मी 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 कर रहे हैं। अरे क्या मी मी, बकरी हो क्या? मैं तीन नाम चाहिए मुझे। ओ बॉय, इतने सब तुम लोग यार, इतने सारे लोग मी 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 बकरी बनोगे तो कैसे चलेगा? राजीव भट्ट बोल, कौन है वो तीन नाम? प्रयास, प्रखर, अंकुश, तीन नाम मुझे मिल चुके हैं। नहीं, तीन नाम मुझे मिल जाएगा, प्रयास, प्रखर, अंकुश, बराबर बोला क्या मैं? तो मेरे तीन फ्रेंड्स है प्रयास, प्रखर, सच्ची में वो तीन लोग है इधर लेक्चर में, मुझे अंकुश तो दिख नहीं रहा है तो मैं नाम कैंसिल कर दूंगा। मुझे ये तीनों नाम जिसके लिखे और वो है तो मुझे वो लोग की तरफ से मैसेज चाहिए, अदरवाइज नहीं। चलो एवरीबॉडी फोकस, हाँ भाई, नहीं संकल्प सर का नाम नहीं रख सकते यहां पे। हार्दिक पूजा, तुम लोग तीसरा नाम नहीं ला पाए। बाली, दिशान, आरिश, आरिश तेरा नाम ठीक है, बाली और दिशान किधर है तेरे? चलो प्रयास, प्रखर एंड पवन का नाम लिख देते हैं अपन लोग, पी पी पी। अब सुनो, स्टार्ट करते हैं बॉस अपना। ये कल्पना, पूजा, शेखर, क्या ये तीनों लोग हैं? शेखर यहां पे कोई इजी नाम लिखो। अरे भाई ये देखो इनके डिमांड्स तो देखो। हार्दिक, पूजा, हर्ष, ये भी चलेगा। फोरम, फरीन, पूजा, ये तीनों फ्रेंड्स है क्या यहाँ पे? फरीन तो पता है मुझे, फोरम ने तो मैसेज किया है, पूजा भी है, ये भी लिख सकता हूं मैं। चलो ये लोग के साथ टाइम पास करने बैठो ना तो आधा घंटा भी ये लोग निकाल लेंगे, पता नहीं चलेगा। एफए हैं ये, फर्स्ट लेक्चर है ना तो करने दे रहा हूं थोड़ा मैं, बाद में देखो एक एक को कैसे लाइन पे लाता हूं मैं। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे तीन फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, प्रयास, प्रखर और पवन। वाह क्या नाम्स है। अब सुनो ये तीनों का कहानी, प्यार की ये कहानी सुनो। एक लड़का था, बाकी दो भी लड़के ही थे यार, हाउ बोरिंग। इससे अच्छा तो वो हर्ष पूजा वाला नाम ले लेता, बीच में लड़की रहती तो लोगों का भी मन लगा रहता है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, तीन फ्रेंड्स प्रयास, प्रखर और पवन, ठीक है। अब क्या सीन है पता है क्या ये लोग का? ये लोग तीनों एकदम जिगरी दोस्त, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स, जैसे गौतम गंभीर और विराट कोहली, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स है ये लोग की जगह। गौतम गंभीर, नवीन और विराट कोहली, ऐसी इनकी एकदम घनिष्ठ मित्रता है। वेरी वेरी फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। सो बात कुछ ऐसी हो गई कि ये लोग ने CA फाउंडेशन, CPT जिसको आप लोग बोलते हो, वो तीनों ने साथ में पढ़ा। पूरा का पूरा CPT, CA फाउंडेशन ये लोग ने 2 महीना साथ में ग्रुप स्टडीज किया, और ग्रुप स्टडीज करके आप लोगों को पता है इनका रिजल्ट क्या आया? तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए। हाँ, तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, चलो ठीक है। फिर आया इंटरमीडिएट, आप मानोगे तीनों ने इंटरमीडिएट 4 महीना कंटिन्यूअसली साथ में पढ़ा और दोनों ग्रुप दिया। गेस द रिजल्ट क्या आया रहेगा, गेस करो क्या रिजल्ट आया होगा इन तीनों का। ये मैं वो एग्जांपल ले लू, कोहली, गंभीर और नवीन,
चलो ये तीनों का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। कोहली, नवीन, गंभीर। पहले ही लेक्चर में कंट्रोवर्सी करवाओगे मतलब तुम मेरे से। चलो हाँ, अभी सुनो। तो क्या हुआ बताया क्या? तीनों ने, कोहली, नवीन, गंभीर, इतने अच्छे फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन सीपीटी साथ में पढ़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, इंटर में आए, 4 महीना था इनके पास, चारों ने, तीनों ने 4 महीना कंटिन्यूअसली साथ में पढ़ा। गैस करो क्या रिजल्ट आया होगा? सीए इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप दिया, दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए तीनों के तीनों। यस, पास पास सब के सब, ऑल एवरीबॉडी। सो कोहली, नवीन, गंभीर, तीनों ने इतना साथ में अच्छा पढ़ाई किया कि क्या ही बताऊं मैं। अब तीनों के तीनों सीए फाइनल में आ गए हैं। सीए फाउंडेशन साथ में पढ़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, सीए इंटर साथ में पढ़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। आप मुझे बताओ, सीए फाइनल में अब आ गए हैं, क्या करने वाले हैं? और तीनों का अटेम्प्ट है से नवंबर में या मई में, कोई भी अटेम्प्ट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीनों का अटेम्प्ट है से नवंबर में। आप मुझे बताओ क्या करेंगे ये लोग तीनों? सो फाउंडेशन तो तीनों साथ में किया, पास हो गए, इंटर भी साथ में किया, पास हो गए। सीधी सी बात है, सीए फाइनल भी वो लोग साथ में ही करने वाले हैं। उनको लग रहा है भाई अपना कनेक्शन अच्छा बैठ गया है, मेल मिलाप अच्छा बैठ गया है, अपन साथ में ही करते हैं तो ये अच्छा रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, नवंबर के लिए इन्होंने लीव ले लिया, और इन्होंने लीव ले लिया से जून में, तो जून जुलाई 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 में ये लोग ने लीव ले लिया। अब 1 जुलाई से इन्होंने पढ़ना चालू किया, 1 जुलाई से ये लोग ने पढ़ना चालू किया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने नॉन स्टॉप ये लोग ने पढ़ाई किया, ना दिन देखा ना रात। कोहली का एक घर खाली था तो ये लोग क्या करते थे, कोहली के घर पे पढ़ाई करते थे, ठीक है ना। वहां पे फाउंडेशन और इंटर भी वो लोग ने वहां पे साथ में पढ़ाई किया था, तो कोहली के घर पे वो लोग सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे और रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ाई। थ्योरी है तो एक दूसरे को पूछ लिया, प्रैक्टिकल कुछ सॉल्व कर लिया, कुछ डाउट हो तो एक दूसरे को पूछ लिया और सॉल्व कर लिया, और जी जान लगा दी। भले ये नवंबर अटेम्प्ट है ना, बहुत क्रुशियल अटेम्प्ट होता है, बहुत बेकार अटेम्प्ट है नवंबर अटेम्प्ट। पता है क्यों? पेपर डिफिकल्ट आता है इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें है ना बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। मतलब बीच में आएगा आपका गणेश चतुर्थी, जैन वालों का आएगा पर्युषण, फिर बाद में आएगा आपका दिवाली, फिर बाद में आएगा नवरात्रि, फिर बाद में आएगा फलाना ढींकना दशहरा, सारे के सारे फेस्टिवल ये नवंबर वाले अटेम्प्ट वालों के लिए आते हैं। बट ये लोग ने इतना डेडिकेशन और डिसिप्लिन से पढ़ाई किया कि एक भी फेस्टिवल में नहीं गए। जितने भी फेस्टिवल्स थे, जितने भी सेलिब्रेशंस थे, सबको ये लोग ने बॉयकॉट किया और बोला कि नहीं, हम बस एक ही काम करेंगे, स्टडीज स्टडीज स्टडीज। सो सुबह 1 जुलाई को जो चालू किया, सुबह 7 बजे आ जाते थे, रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप स्टडीज। मतलब कब सूरज उग रहा है, कब ढल रहा है, उनको कोई किसी चीज का पता नहीं है। बाहर का खाना बंद, सेलिब्रेशंस बंद, फेस्टिवल्स बंद, सब बंद, और इस तरह का ये लोग ने पढ़ाई किया है। जी हाँ बोलो, वर्ल्ड कप भी है इसी बीच में, मतलब इस लेवल का पढ़ाई किया है ये लोग ने, क्या ही बोलूं मैं आप लोगों को। इंस्पिरेशनल, ओनली वन वर्ड फॉर देम, इंस्पिरेशनल। हैट्स ऑफ टू देम, वेल डन। अब इनका एग्जाम था नवंबर में, इनका एग्जाम था नवंबर में, नवंबर 1 को इनका एग्जाम चालू हुआ। बीच में कुछ दिवाली वाली था तो उसकी वजह से थोड़ा एक दो पेपर डिले हुआ, और नवंबर 18 को इनका पेपर कंप्लीट आया। नवंबर 18 को इन्होंने उनका पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया। अब तीनों है ना साथ में ही रहते थे, ऑलमोस्ट एक आजू बाजू बिल्डिंग में ही रहते थे, साथ में ही पढ़ते थे फाउंडेशन इंटर के लिए, तो तीनों का सेंटर भी सेम आया, सेंटर भी सेम आया दोनों तीनों का। अब इतना अच्छा पढ़ाई कर लिया है 4 महीना, एग्जाम के जो डेज थे नवंबर 1 से 18 बहुत मेहनत किया, और आज उन तीनों का एग्जाम खत्म हो चुका है। जी हाँ, तीनों का एग्जाम खत्म हो चुका है। पेपर इजी टफ से वो लोग को फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग ने अपना काम अच्छा किया था, मेहनत अच्छा किया था, वो लोग को टेंशन नहीं है। तीनों का एग्जाम खत्म, आज का डे है 18th of July, और 18th of July का आज तुम लोग का एग्जाम का टाइमिंग क्या होता है, 2 से 5। तो अभी आज क्या डेट है सुनो ना, मैं आपको पूछ रहा हूं आज क्या डेट है, मुझे जरा बताओ तो।
और अभी टाइम क्या हुआ है मुझे जरा बताओ तो। अरे बताओ ना जरा, बोलो बोलो, टेल टेल, आज डेट क्या है आज का? अरे यार क्या ये लोग सैंपल लोग मिले यार। अरे भाई आज का डेट 18 जुलाई है, क्या तुम लोग ये डेट लिख रहे हो? ये लोग मेरे रोल प्ले को ही समझ नहीं पा रहे यार। शख्स यार, ये लोग को इतना भी नहीं समझ आ रहा है। अरे आज 18 नवंबर है ना पब्लिक, अभी तो बात हुआ यार अपना। हाँ समझ गए ना, समझ गए ना। हाँ तो आज क्या है? करेक्ट सर, आज 18 नवंबर है। अच्छा क्या टाइम हुआ है 18 नवंबर के? समझ रहे हो ना? सो आज है 18 नवंबर, 18 नवंबर को आज शाम के 6 बजे, अभी ये लोग ने एग्जाम दिया, थोड़ा बहुत डिस्कस किया और अभी शाम के 6 बजे, आप मेरे को बताओ, अगर आप कोहली, नवीन और गंभीर के जगह हो, इतना जी जान लगा के लास्ट 4 महीना आपने पढ़ाई किया है, आज 18 नवंबर, आप लोग का एग्जाम आज खत्म हो चुका है, आप मेरे को बताओ क्या करोगे? सब लोग ने जवाब देना चालू कर दिया, सर पार्टी टाइम, गोवा जाएंगे। तो यस, गोवा जाना ही चाहिए। मैं मेरे सीए फाइनल के एग्जाम के बाद गोवा गया था और गोवा जाना ही चाहिए आपको। मतलब अगर आप गोवा नहीं जाके आओगे तो आपको पाप लगेगा। सीए फाइनल के एग्जाम के बाद अगर आप गोवा नहीं जाते हो और आपको पाप लगता है, फिर इंस्टीट्यूट आपको पास नहीं करता है। देखो बता रहा हूं मैं, गोवा एक मंदिर है, जाके ही आना चाहिए, बट सीए फाइनल के एग्जाम के बाद, ऐसी मेहनत करने के बाद। तो इन्होंने भी प्लान किया गोवा जाने का, पर इन्होंने बोला 20 नवंबर को जाएंगे, 1-2 दिन आराम करते, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाते हैं एकदम, मतलब दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ गई थी तो थोड़ा शेविंग वेविंग करके मस्त जाएंगे गोवा, मजे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है तो डन है एवरीबॉडी, यस। So, अब यहाँ पे इन्होंने गोवा बनाने का प्लान बनाया, बट वो तो 20th को, बट आज तो 18th है ना। अब आज क्या, आज कुछ पार्टी वार्टी करेंगे या नहीं? तो इन्होंने बोला यस, 101% पार्टी करना ही बनता है। सो इन्होंने प्लान किया कि चलो यार गोवा तो जाके मस्ती करना ही है अपने को, बट अभी एटलीस्ट कोई लोकल रेस्टोरेंट में जाके आते हैं ना, क्या बोलता है पब्लिक, है कि नहीं? सो ये लोग ये प्लान किया कि ये लोग तीनों बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और ये लोग तीनों जाएंगे पार्टी करने के लिए। पास में ही एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है शिव सागर। हाँ जी हाँ, क्या नाम है रेस्टोरेंट का? शिव सागर। तो ये तीनों फ्रेंड्स जाते हैं पास के एक रेस्टोरेंट में, शिव सागर में, बोलते हैं चलो यार खाना खा के आते हैं, इतने दिनों से बाहर का खाना नहीं खाया, बहुत मन कर रहा है बाहर का खाना खाने का, चलो लेट्स गो टू शिव सागर। चलो सो अब ये लोग शिव सागर टाइप जगह पे जा रहे हैं, तो गोवा वाला पार्टी अलग है यार, अब शिव सागर वाला टाइप वाला पार्टी, सिंपल वाला पार्टी, ठीक है चल। ओके अब ये लोग शिव सागर में गए हैं, तीनों के तीनों, तीनों के तीनों गए शिव सागर में, इतने दिनों से बाहर का खाना नहीं खाया, तो सबसे पहले कोहली तो बोलता है यार सूप मंगा यार, मेरे को सूप पीने का है यार, सूप पीने का है यार, बेन स्टोक्स मुझे सूप पीने का है, बहुत मन कर रहा है, तो कोहली सूप मंगाने के लिए जा रहा है। यस मिस्टर गुलाटी, यू आर राइट। चल सो अब सूप पीना है कोहली को, तो आप मुझे बताओ कौन सा सूप ऑर्डर करना चाहिए कोहली को, आप बताओ बताओ, बोलो बोलो, चल चल, कौन सा सूप ऑर्डर करेगा हमारा कोहली? सराफा। अरे वाह समीक्षा, सराफा, वाह मन कर रहा है उधर जाने का और बहुत सारा खाने का। चलो 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 मुद्दे पे आ जाओ, आप बोलोगे सर होटल मैनेजमेंट का लेक्चर चल रहा है कॉस्टिंग का, अरे आएगा बाबा कॉस्टिंग भी आएगा, टेंशन मत लो। मंचाओ सूप, सार्थक देशपांडे, हाँ हाँ लय भारी मित्रा, लय भारी। सो अपन लोग मंचाओ सूप ऑर्डर करेंगे, क्या ऑर्डर करेंगे? कोहली बोलता है मैं मंचाओ सूप ऑर्डर करेगा, नवीन बोलता है यार मंचाओ तो तू ऑर्डर कर रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ टोमेटो सूप ऑर्डर करता हूँ। कौन सा? टोमेटो सूप ऑर्डर करता हूँ। अब अपन लोग फ्रेंड्स लोग जाते हैं तो सेम चीज तो ऑर्डर नहीं करते, वैरायटी ऑर्डर करते हैं। गंभीर बोलता है मैं है ना क्लियर सूप, या जिसको स्वीट कॉर्न सूप बोलते हैं, वो ऑर्डर करूंगा। क्या ऑर्डर करूंगा? स्वीट कॉर्न सूप ऑर्डर करूंगा। सो यहां पे हमारा जो कोहली भाई है मंचाओ सूप ऑर्डर कर दिया है, एक ने टोमेटो सूप और तीसरे ने
कॉर्न स्वीट कॉर्न सूप ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, फिर अभी ये लोग आते हैं मेन कोर्स के ऊपर। अब मेन कोर्स के ऊपर जैसे ही आए, ये लोग का झगड़ा होने लगा। एक बोलता है पनीर का सब्जी मंगाओ, एक बोलता है मिक्स वेजिटेबल्स मंगाओ, एक बोलता है दाल मंगाओ, एक बोलता है दही मंगाओ, एक बोलता है चपाती मंगाओ, एक बोलता है फुल्का मंगाओ। भाई बहुत कंफ्यूजन है। और वहां पे जो वेटर था ना, वो ये लोग का झगड़ा देख रहा था। तुम लोग ने इन लोग का झगड़ा तो देखा ही है तुम लोग ने इन लोगों का झगड़ा तो देखा ही है। गंभीर तो एकदम चढ़ गया कोहली पे। ए भाई क्या है क्या है, तू नवीन को कैसे कुछ बोला? हाँ, तो कोहली भी जवाब देने लगे। तो ये लोग तीनों झगड़ा करने लगे। तो उधर का जो जो उधर का वेटर था बोला, ए भाई सबर करो जरा, क्या चाहिए? तो एक बोलते है नहीं मैं तो पनीर मंगाएगा, मैं बोलते हैं मिक्स वेजिटेबल, ये वो फलाना ढींगना। तो उनको जो वेटर था उसने एक मस्त वाला सजेशन दिया। उसने बोला कि सुनो, तुम लोग ऐसा करो, थाली ऑर्डर करो, थाली में ये सब वैरायटी आ जाएगा, जिसको जो थाली ऑर्डर करना है ऑर्डर करो। तो हमारा जो चिकू है, चिकू ने बोला कि मैं पंजाबी थाली ऑर्डर करूंगा। चिकू बोला मैं पंजाबी थाली ऑर्डर करूंगा। नवीन बोला मैं अफगानी थाली ऑर्डर करूंगा, अफगानी वेज अफगानी थाली। और गंभीर बोला मैं क्या करूंगा, कौन सा वाला? गंभीर के लिए क्या बचता है भाई? साउथ इंडियन थाली ऑर्डर करूंगा मैं साउथ इंडियन थाली ऑर्डर करूंगा। ए समझ यू एवरीबॉडी। तो तीनों ने अपना अपना ऑर्डर थाली ऑर्डर कर दिया। तीनों ने अपना ऑर्डर, ए इसने लखनवी थाली ऑर्डर किया, वाह वाह, गंभीर ने लखनवी थाली ऑर्डर किया गंभीर ने लखनवी थाली ऑर्डर। ठीक है, डन है, डन है, डन है, डन है सर, डन है, डन है। ओके, तो तीनों का सॉर्टेड हो गया। अब आ गई डेजर्ट्स की बारी, अब आ गई डेजर्ट्स की बारी। तो अब डेजर्ट के लिए क्या ऑर्डर करें? तो कोहली तो भाई अपना एकदम फ्लैम्बॉयंट आदमी है। कोहली बोला मेरे चाहिए सिजलिंग ब्राउनी, मेरे को चाहिए सिजलिंग ब्राउनी। हमारा जो नवीन है वो बोला सर ऐसा करो, मेरे लिए आप प्लेन वनीला ऑर्डर कर दो। और जो हमारा गंभीर है, गंभीर बोल रहा है मेरे लिए क्या ऑर्डर करूं मैं? गंभीर बोल रहा है यार मेरे को तो है ना टॉन्सिल्स हो गया है, और अभी मेरा एग्जाम खत्म हुआ है, अभी मैं कहीं कुछ खा लूं डेजर्ट में और कुछ टॉन्सिल और बढ़ गया तो बेड रेस्ट पे ना आ जाओ। तो गंभीर दिल पे पत्थर रख के बोलता है नहीं मेरे को कोई भी डेजर्ट नहीं चाहिए, मेरे को कोई भी डेजर्ट नहीं चाहिए, मैं नहीं खा रहा हूँ डेजर्ट। अच्छा चलो ठीक है, ओके। तो तीनों ने डेजर्ट भी खा लिया और फाइनली अब वो लोग ने, वो लोग का पेट भर गया इतने दिन से जो बाहर का नहीं खाया था, वो लोग को लग रहा है हाश। इसमें वो लोग ने बीच में थाली में भी थोड़ा बहुत गुलाब जामुन और वो सब था ही, वो भी खाया, आइसक्रीम भी खाया। अब उनको लग रहा है कि चलो पेट भर गया। अब बोलते हैं भाई मुखवास लेकर आ जा, सॉफ्ट वॉफ लेकर आ जा, वो लेकर आ गया। और बोलते हैं चल भाई गेट द चेक, क्या बोला? गेट द चेक, बिल लेकर आ जा। तो वो लोग अब बिल लेकर आ रहे हैं। चलो सो अब यहाँ पे बिल लेकर आने गया वो, तो वेटर गया बिल बनाने के लिए। तो वेटर ने फटाफट कैलकुलेशन किया, मनचाओ 150, टोमेटो 100, स्वीट कॉर्न में होता ही क्या है, कितने का आएगा? 75 का। थाली तीनों का कॉन्स्टेंट था भाई, थाली तीनों का सेम कॉस्ट 400 400 400। सिजलिंग ब्राउनी, ओहो महंगा चीज, 150। वनीला खाली 75 का। और गंभीर ने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, तो अभी वो फटाफट टोटल करने लगा। मुझे फटाफट टोटल करके बताओ तो, रे चार्टर्ड मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, फटाफट बताओ। करेक्ट हर्ष। सो 150 प्लस 100 कितना? 250 प्लस 75 325, 1200 और 225। मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा है? 1500, 1750। एवरीबॉडी यस और नो? चलो इसको थोड़ा और कुछ कर देते अपन। 1750 कितना आ रहा है? 1750। तीनों दिल बड़ा है, तीनों का दिल बड़ा है। तो तीनों ने 50 रुपए, 50 रुपए का टिप रखा। टोटल आया 1800 रुपया, टोटल आया वो लोग का 1800 रुपया। 1750 का बिल, 50 रुपए का टिप रखा, क्योंकि इतना अच्छा सजेशन दिया वो वेटर ने। 1800 रुपए का बिल आया है। आप मुझे बताओ इज्जत से, अगर ऐसा कोई बिल आप लोग तीन फ्रेंड जाओ तो आप लोग कैसे डिवाइड करते हो? इज्जत से बताना प्लीज। कैन आई से, अब आप लोग क्या करोगे? सीधा इसको डिवाइड बाय, तीन लोग गए, तीन फ्रेंड्स गए हैं, तो 600 600 600 तीनों निकालोगे। तो इन्होंने भी 600 600 600 निकाला। तो कोहली ने निकाला 600 रुपया, नवीन ने निकाला 600 रुपया, गंभीर भाई ने निकाला 600 रुपया, और तीनों के तीनों बाहर निकल गए। जैसे ही तीनों के तीनों बाहर निकले, तो
गंभीर तो मन ही मन में इतना खुश हो रहा था, क्या बोल रहा होगा गंभीर आप मुझे बताओ, क्या बोल रहा होगा गंभीर? बोल रहा था मजा आ गया, गंभीर बोल रहा था मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। क्यों ऐसा बोल रहा था गंभीर? क्योंकि गंभीर ने अपना कैलकुलेशन किया और गंभीर ने बोला यार सॉरी गंभीर क्या, विराट कोहली मन ही मन में बहुत खुश होने लगा। कोहली क्या बोला पता है क्या? कोहली बोला कि मैंने 600 रुपया पे किया बट मैंने खाया कितने का? उसने खाया 700 रुपए का। और नवीन 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 भाई क्या बोलता है, नवीन ने खाया 575 का और पे किया 600 रुपया। तो उसने मतलब इन शॉर्ट वो टिप मिला के 600 रुपए का खाया, 600 रुपए का पे किया। और गंभीर इसीलिए देखो गंभीर को है ना गुस्सा आता है, गंभीर के साथ ऐसा होता है ना, इसके लिए गंभीर को गुस्सा आता है। उसने खाया 475 का बट उसको पे करना पड़ा 600 रुपया। तो कैन आई से कोहली ने 100 रुपया ज्यादा किया के कम पे किया? कम पे किया। क्या यहाँ पे कोहली का कॉस्टिंग बराबर हुआ है क्या? द आंसर इज नो। नवीन का सही कॉस्टिंग हुआ है क्या? गंभीर का सही कॉस्टिंग हुआ है क्या? द आंसर इज नो। मेरे को बताओ कोहली के केस में ओवर कॉस्टिंग हुआ है या अंडर कॉस्टिंग हुआ है? बोलो बोलो टेल टेल, बोलो बोलो टेल टेल। कोहली के केस में ओवर कॉस्टिंग हुआ है कि अंडर कॉस्टिंग हुआ है? कैन आई से कोहली के केस में अंडर कॉस्टिंग हुआ है। उससे लेना चाहिए था 700 रुपया, 700 रुपए का खा गया वो बट खाली 600 रुपया पे किया है, उसका हुआ है अंडर कॉस्टिंग। और गंभीर गंभीर खाया है खाली 475 का बट बेचारे को पे करना पड़ा है 600 रुपया, उसके केस में हो गया ओवर कॉस्टिंग। कैन आई से यहाँ पे 3 में से 2 लोगों का गलत कॉस्टिंग हो रहा है बिकॉज अपना कॉस्टिंग करने का तरीका ही गलत है। अपन उसको सीधा डिवाइड कर देते हैं एक नंबर के साथ जबकि चार्ज होना चाहिए उसके कंजम्पशन के बेसिस पे। कोहली ने कंज्यूम कितना किया और पे कितना किया? गंभीर ने कंज्यूम कितना किया और पे कितना किया? उन दोनों के बीच में जैसे ही वो बाहर निकला गंभीर बोला ये कोहली को अभी होने दो, कोहली को अभी टॉन्सिल होने दो, देख उसको भी मैं लेकर जाऊंगा डेजर्ट खाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब समझा ये लड़ाई क्यों हुई थी, उसका रियल रीजन ये कहानी है। तुम लोगों को तो मीडिया गुमराह कर रही थी, ये कहानी है रियल रीजन। चलो मुद्दे पे आऊं मैं। सो बेसिकली कहने का मतलब है जब कॉस्ट को ऐसे ही कोई जनरल तरीके से चार्ज किया जाता है उसकी वजह से इनकरेक्ट कॉस्टिंग होता है विच रिजल्ट्स इन अंडर कॉस्टिंग और ओवर कॉस्टिंग विच इज अ इनप्रॉपर वे ऑफ डूइंग कॉस्ट कैलकुलेशंस। बट अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ बिजनेस ऐसे ही कॉस्टिंग करते हैं एंड इसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ पब्लिक बिजनेसेस ऐसे ही कॉस्टिंग करते हैं जिसकी वजह से उनका कॉस्ट अकाउंटिंग गलत रहता है और वो गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं वो कॉस्ट को। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो इससे अपने को क्या समझ में आया? आइडियली कोहली को कितना पे करना चाहिए था आप लोग मुझे बताओगे? हर्ष सही बोल रहा है, हर्ष एवरीबॉडी कोहली को कितना पे करना चाहिए था? कोहली को कितना पे करना चाहिए था? एवरीबॉडी तुम लोग भी बताओगे कोहली को आइडियली कितना पे करना चाहिए था? सर उसको 700 पे करना चाहिए था क्योंकि उसने 700 का कंजम्पशन किया है। गंभीर को कितना पे करना चाहिए था? गंभीर को 475 पे करना चाहिए था क्योंकि उसने उतना ही कंज्यूम किया है। तो कहना इसे इन दोनों के केस में अंडर कॉस्टिंग ओवर कॉस्टिंग हो गया है एंड दिस इज व्हाट इज इनकरेक्ट कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट। एंड यहां पे अपने को एक चीज सीखने को मिली दैट कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन, कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। ये चीज हमेशा हमेशा ध्यान में रखना जब भी आपको कॉस्टिंग में कुछ भी करना है, एकदम बेसिक चीज है बट ये बेसिक चीज भी कितनी सारी कंपनीज नहीं फॉलो करती है जिसकी वजह से उनका कॉस्ट इनकरेक्ट होता है या तो अंडर कॉस्ट हो जाता है ओवर कॉस्ट हो जाता है। आप बोलोगे सर फ्रेंड्स है थोड़ा बहुत अंडर कॉस्टिंग ओवर कॉस्टिंग चलता है, माना बट पब्लिक तो इसको बिजनेस में भी यूज करती है, ये अंडर कॉस्टिंग ओवर कॉस्टिंग। क्या ये सही है क्या मित्रों? द आंसर इज नो। एंड देयरफॉर याद रखना हमेशा दैट कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। अगर मैं आपको पूछता हूं ए क्या ये एग्जांपल्स समझी गुड़ू आपको?
हाँ जय कुमार बोल रहा है, सर प्लीज इसको स्टूडेंट नोट्स में लिख दो। फेयर फेयर, यस जरूर लिख देंगे, क्योंकि ये एक जनरल पॉइंट है जो आपको 11 के 11 चैप्टर में यूज करना है पब्लिक। हाँ बता रहा हूं मैं आपको। क्या आप लोग, सब लोग को समझ में आ गया ये एग्जाम्पल? प्लीज मुझे कंफर्म करो एवरीबॉडी। समझियो समझू, परफेक्ट। शेखर आराम से भाई, तू फर्स्ट लेक्चर में इतना हाई लेवल पे मत जा। परफेक्ट, सब लोग को समझ गया है सर, एकदम सही बोल रहे हो। अब सर फ्रेंड्स थे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो चलता है, बट मैं आपको बता दूं के ये ही गलत चीज वो लोग बिजनेसेस में भी करते हैं। इसी के साथ आता है मेरा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इज रिलेटेड टू द बैंक्स, इज रिलेटेड टू द बैंक्स। बैंक्स के भी तो कितने सारे कॉस्ट होते हैं। इस कॉस्ट का, एक कॉस्ट का नाम है एटीएम रिलेटेड कॉस्ट। आप मुझे बताओ ये एटीएम रिलेटेड कॉस्ट जो है ये अभी अभी आई या पहले से है? क्या आप लोग के पेरेंट्स ने कभी एटीएम यूज किया था जब वो आपके एज के थे? क्या आप लोग के पेरेंट्स ने कभी एटीएम यूज किया था आप लोग के जितने थे? द आंसर इज नो। अब सुनो ये सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, ध्यान से सुनना। पहले के टाइम पे क्या होता था पता है क्या? सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है फ्रॉम 9 AM टू 4 PM। अब किसी बंदे को ऑफिस जाना है तो वो आईसीआईसीआई बैंक में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका तो ऑफिस का टाइम भी यही है, तो उसको तो ऑफिस पहुंचने के लिए 8 बजे निकलना पड़ता है, शाम को 6-7 बजे घर पे आता है, वो आईसीआईसीआई बैंक में जाए कैसे? इसके लिए एक्सिस बैंक ने ये चीज नोट की और एक्सिस बैंक ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, बोला कि हम मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 9 PM बैंकिंग रखेंगे। तो पब्लिक आईसीआईसीआई बैंक में ओपन करवाएगा अकाउंट या एक्सिस में? अब 9 AM टू 9 PM है तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि 9 PM मतलब मैं ऑफिस से घर पे भी पहुंच जाऊंगा, फिर बैंक में जाऊंगा, पैसा जितना चाहिए या जो मुझे बैंक का ट्रांजेक्शन करना है मैं कर सकता हूं। अब मुझे बताओ किसने इनोवेट करके नया प्रोडक्ट लेकर आया? एक्सिस बैंक ने। बट यहां पे रुकना नहीं है, आपका इनोवेशन कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर आया एचडीएफसी बैंक, उसने ये सारी चीज नोट की, उसने बोला मैं मंडे टू सैटरडे 9 AM टू 9 AM 24 आवर्स बैंकिंग लाऊंगा। रात को कभी इमरजेंसी में कुछ एक्सीडेंट हो गया और कोई जरूरत पड़ी तो, रात को 2 बजे जरूरत पड़ी तो एक्सिस बैंक तो बंद रहेगा बट एचडीएफसी बैंक में से तो मैं जाके खुलवा सकता हूं। आप मुझे बताओ आपको अगर खुलवाना होगा तो आप कहां पे बैंक खुलवाओगे अकाउंट? कह रहे इसे एक इनोवेटिव बैंक है जो इनोवेशन आप लाते जाएगा बिजनेस में, वो खेलते जाएगा, वो लाइफ में आगे बढ़ते जाएगा। अब आप एज अ कंज्यूमर सब लोग एचडीएफसी बैंक में ही अकाउंट खुलवाना चाहोगे, आपको पता है 24 आवर बैंकिंग है, काम खत्म। ए समझिगड़ू। बट हुआ क्या पता है आपको? जब यहां पे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक था, अब सुनो स्मार्टली सुनते जाओ मेरा पूरा ये एग्जाम्पल, जब खाली आईसीआईसीआई बैंक था तो 9 AM टू 4 PM था। अब यहां पे एक शिफ्ट में 4 एम्प्लॉइज होते थे, उनको 10,000 पर मंथ का सैलरी देना था, तो आईसीआईसीआई का 40,000 रुपए का खर्चा था। कौन थे ये 4 एम्प्लॉइज? जो कैश डिपॉजिट लेते थे और जो भी बैंक में आप लोगों को कुछ पैसा चाहिए तो वो लोग दे देते थे। अब एक्सिस ने बोला नहीं, मैं तो ज्यादा टाइम के लिए रखूंगा 9 AM टू 9 PM, तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगा। एक्सिस को अब 6 एम्प्लॉय रखना पड़ा, 10,000 पर मंथ, 60,000 रुपीज। अब ये कॉस्ट बढ़ेगा तो एंड ऑफ द डे आप लोगे तो कंज्यूमर के पास से, तो कंज्यूमर को बुरा लगने लगा। भाई एचडीएफसी तो और नेक्स्ट लेवल है, एचडीएफसी तो 9 AM टू 9 AM का उसका शिफ्ट है, उसको तो 8 एम्प्लॉय की जरूरत लगी, मल्टीप्लाई बाय 10,000, 8 भी नहीं 10 एम्प्लॉय की जरूरत लगी उसको। तो 10 एम्प्लॉय अगर है मल्टीप्लाई बाय 10,000 पर मंथ, मतलब बॉस 1 लाख रुपीज का उसका मंथली खर्चा हो गया एम्प्लॉय का। और एचडीएफसी के देखा देख, अब एचडीएफसी ये सब कर रहा है तो एचडीएफसी को देख के एक्सिस भी 24 आवर बैंकिंग ले आया, आईसीआईसीआई भी 24 बैंकिंग ले आया। अब यार ये तो प्रॉफिट
प्रॉब्लम हो गया, लफड़ा हो गया, तो अब मैं इसको मैनेज करने के लिए क्या करूं। एंड एक्चुअली सिटी बैंक ने ये सिस्टम को मैनेज करने के लिए सोचा, क्यों ना मैं एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आऊं। एंड दिस इनोवेटिव प्रोडक्ट गेव राइज टू एटीएम, जहां पे उन्होंने बोला हमारा 24 आवर बैंकिंग भी रहेगा ओपन, एट द सेम टाइम हमारे को ये 10 एम्प्लॉइज की जरूरत भी नहीं है। है कि नहीं एटीएम, ये 10 एम्प्लॉय को रिप्लेस भी कर दिया और 24 आवर बैंकिंग भी करवा दिया। एट द सेम टाइम मेरा खर्चा कितना हो रहा है एटीएम का, एटीएम का खर्चा कितना होगा आप मुझे बताओ, बताओ मुझे एटीएम का खर्चा कितना होगा, कितना खर्चा होगा। तो एटीएम का वो जो पेटी है वो 10 लाख का आता होगा, कह रहे इसे 5 साल भी वो चला, 5 साल भी अगर वो चला तो 2 लाख पर एनम का खर्चा हुआ, 2 लाख पर एनम का खर्चा हुआ, डिवाइड बाय अगर मैं 12 मंथ्स करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली मैं बोलू 20,000 पर मंथ का खर्चा है वो डब्बे का, जो एटीएम का डब्बा है उसका 20,000 पर मंथ का खर्चा, उसके अलावा और क्या क्या कॉस्ट लगता है मेरे को बताओ, अप्रोक्सीमेटली 20,000 हो गया। प्लस कैन आई से वॉचमैन का खर्चा 10,000 ले लो, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 10,000 ले लो, रेंट का खर्चा 10,000 ले लो, और भी कुछ इधर उधर का परचूरन खर्चा मिसलेनियस और 10,000 ले लो, 20, 30, 40, 50, 60, तो फिर भी मेरा 60,000 में काम हो गया 24 घंटे का, जबकि मेरे को पहले देना पड़ता था 1 लाख रुपया। क्या ये इनोवेशन से मेरा स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट मैनेज हुआ है? यही तो ये चैप्टर, यही तो ये सब्जेक्ट सिखाने वाला है पब्लिक। 60,000 रुपए में एटीएम लाए और आपका काम हो गया, पर ब्रांच पर बैंक उनका 40,000 का सेविंग्स हुआ है, 40,000 सेव्ड पर ब्रांच पर बैंक। यस, दिस इज व्हाट इनोवेशन डज टू यू। ए भाई समझ में आया क्या? आप लोगों को मुझे कंफर्म करो सब लोग फटाफट, ए समझ में आया क्या? मेरे को मेनली आपको ये नहीं बताना था एटीएम कैसे आया, अब मैं आने वाला हूं मेरे एग्जांपल के ऊपर, बट फ्लो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि एटीएम आने से कैसे कॉस्ट भी कम हो गया और एक इनोवेटिव प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया। दिस इज व्हाट दीज मल्टीनेशनल कंपनीज डू। मैंने जेपी मॉर्गन में 4 साल जो काम किया ना, मैंने यही देखा है, ये लोग हर चीज में ऑटोमेशन और इनोवेशन लाना चाहते हैं जिससे इनका कॉस्ट सेव हो जाए, एंड इट रिजल्ट्स इनटू फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। परफेक्ट। अब सुनना मेरी कहानी को। अब एटीएम है, एटीएम का मेरा खर्चा है, से लेट्स टेक एन एग्जांपल के एटीएम का मेरा टोटल खर्चा है 60,000 रुपए का। मेरे को आप एक बताओ, एक बात बताओ, ये एटीएम का खर्चा जो है ये बैंक खुद बेयर करेगा या अपने कस्टमर को बोलेगा, कस्टमर से रिकवर करेगा? सोच समझ के बताओ। बैंक ये एटीएम का खर्चा खुद बेयर करेगा या कस्टमर के पास से निकलवाएगा? बोलो बोलो, चल चल। करेक्ट, एकदम सही भाई। कोई भी धंधा कर रहा है वो अपना खर्चा कस्टमर के पास से ही रिकवर करता है। अब मुझे 3 फ्रेंड्स चाहिए, मुझे 3 फ्रेंड्स चाहिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो मुझे बताएगा उसका मैं नाम ले लूंगा। कौन? चलो देखते हैं फटाफट कौन जवाब देता है, उसको मैं चूज कर लूंगा। हर्ष, कुणाल, पूजा, नहीं नहीं उसके भी पहले कौन आया भाई? हर्ष, कुणाल, पूजा को अपन लोग चूज करते हैं। हर्ष, कुणाल, पूजा, ओके। चलो चलो चलो, एक चलो इधर फटाफट देखो। योगी, मोदी, अमित बोल रहा है कोई, तुम लोग क्यों भाई पॉलिटिक्स बीच में ला रहे हो, पंगे हो जाएंगे। चलो सुनो, अब हर्ष, कुणाल, पूजा है। अब प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। समझो आप बैंक के मैनेजर हो, बैंक एटीएम चार्जेस बैंक का कितना हो रहा है 60,000, बैंक किससे रिकवर करेगा? आप लोग सब लोग ने अभी मुझे बताया, आप लोग सब लोग ने अभी मुझे बताया क्या कि बैंक रिकवर करेगा
कस्टमर के पास से, कितने कस्टमर है बैंक के पास, अज्यूम करो तीन ही कस्टमर है, अज्यूम करो खाली ये तीन ही कस्टमर है, तो बैंक कितना चार्जेस डालेगा ये लोग के अकाउंट में, एटीएम चार्जेस डेबिट, कितना चार्जेस डेबिट होगा आप मुझे बताओगे अभी के अभी, कितना चार्जेस डेबिट होगा आप लोग मुझे बताओगे अभी के अभी। हर्ष कुणाल पूजा तीन ही कस्टमर है, 60,000 का एटीएम चार्जेस है, आप मुझे बताओगे अभी के अभी। करेक्ट, बैंक है ना आदत है, सीधा डिवाइड कर देगा जितने कस्टमर के साथ, 20,000 20,000 20,000 बैंक ने डेबिट कर दिया। बट मैं आप लोग को एक बात बताऊं अंदर का, ये जो हर्ष है ना हर्ष, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस सीएफए का बंदा है, सीए प्लस सीएफए ये हर्ष। अब ये जो बंदा है ना, ये सीए सीएफए करने के बाद यूएसए में सेटल्ड है, लास्ट 2 साल से ही हैज नेवर कम टू इंडिया, एंड इसका टोटल एटीएम ट्रांजैक्शंस इज जीरो। कितना? जीरो, क्योंकि बंदा सीए सीएफए करके यूएसए में सेटल्ड है, बट उसने पहले बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ इंडिया में, क्योंकि कभी जरूरत पड़ा तो होना चाहिए। ये जो हमारा कुणाल है ना कुणाल, ये हमारा कुणाल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और साल में हर हफ्ते 2 बार विड्रॉ करता है पैसा, तो साल में ये 100 times एटीएम का ट्रांजैक्शन करता है, 100 times एटीएम का ट्रांजैक्शन करता है। और ये जो पूजा है ना पूजा, ये पूजा एक आर्टिकल क्लर्क है, और एक ऐसी आर्टिकल क्लर्क है, ऐसी फॉर्म में काम करती है बिचारी, कि जहां पे एकदम पुराने जमाने का पंखा है और वहां पे एसी वैसी कुछ नहीं है, तो ये पूजा ना क्या करती है पता है, रोज लंच करती है और जानबूझ के एटीएम में जाती है, क्यों? ताकि उसको एसी का हवा खाने पड़े, खाने को मिले। और बिचारी आर्टिकल क्लर्क है, तो आर्टिकल क्लर्क को तो ये एसी वेसी का कुछ मिलता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे सब काम करते हैं, ऐसे सब एटीएम में जाके एसी का हवा लेते हैं। तो ये तो है ना 365 दिन एटीएम में जाती है, रोज जाती है वहां पे, कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन कर लेती है अपना, देख लेती है कितना बैंक में बैलेंस है, वो भी इनके तो अकाउंट में कुछ होता नहीं है, बट 365 times वो ये बैंक का एटीएम को यूज कर रही है, उसके सर्विसेज को यूज कर रही है। अब आप मेरे को बताओ ये तीनों को जो 20,000 चार्ज किया है बैंक ने, मित्रों क्या ये सही किया है या गलत किया है, आप मुझे बताओगे फटाफट एवरीबॉडी। तो ये आर्टिकल क्या, ये पूजा क्या है, टिपिकल आर्टिकल क्लर्क है, फ्री का जहां पे मिले, ये इनको ये लोग कन्वेंस भी ऐसे ही धापते हैं, एक्स्ट्रा मार लेते हैं, 100 रुपए का कन्वेंस होगा, 300 रुपया लेके बहुत खुश हो गया, हाँ 200 रुपया कमाया, 200 रुपया कमाया, ऐसे है ये हमारे आर्टिकल क्लर्क, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं। ये पूजा भी वही कैटेगरी वाली है, जाएगी मस्त हवा खाएगी एसी का, बाकी तो उसको नहीं मिल रहा ना ऑफिस में, तो खाना खाने के बाद रोज फिक्स है उसका, 365 दिन उसने यूज किया ही है। बोलो फोकट, आइए सब वैसे ही आर्टिकल क्लब। सर फिर तो ये 20,000, ये 20,000 गलत चार्ज किया है सर, ये हर्ष को तो एटीएम चार्जेस लगना ही नहीं चाहिए, बेचारे ने कुछ ट्रांजैक्शन ही नहीं किया है, ये 60,000 में से 20,000 ऐसा करो कुणाल से ले लो, और 40,000 ऐसा करो पूजा से ले लो, 40,000 ऐसा करो पूजा से ले लो, ए समझो एवरीबॉडी। सर आर्टिकल क्लर्क है तो एटीएम में पैसा होगा, अबे भाई जो तुम लोग 1,000 2,000 कमाते हो, वो जो तुम्हारा प्रिंसिपल है वो ट्रांसफर तो बैंक में करेगा ना, तो तुम्हारे पास एटीएम तो होगा ही ना, वैसा है नहीं नहीं पूजा से 40,000 लेना चाहिए, कुणाल से 20,000, पर हो क्या रहा है ये जो बैंक है, ये तुम लोग नोट करना, सब लोग से सेम एटीएम चार्जेस लेती है, क्या ये सही है क्या? और ये तो प्रैक्टिकल बिजनेस का एस्पेक्ट बता रहा हूं, तुम लोग कभी कोई बैंक में जाके ऑडिट करना और एक्चुअली देखना, वो लोग सेम टू सेम डेबिट चार्जेस मारते हैं सारे क्लाइंट को, जबकि उनका कंजम्पशन ऐसा है ही नहीं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग, गलत कर रहे हैं, बिकॉज इनकरेक्ट कॉस्टिंग प्रोसेसेस और कॉस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स ही कई बार बिजनेसेस को क्लियर नहीं होते, जिसके वजह से इनकरेक्ट प्रोडक्ट चार्जिंग होता है, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर योर बिजनेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस, कैन आई से, इसको भी अपन लोग क्या सीख दे के आएंगे, बॉस कॉस्ट शुड बी चार्ज करेक्ट बेस्ड ऑन कंजम्पशन। क्या समझ में आ रहा है मेरा एग्जाम्पल? क्या ये एग्जाम्पल के बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट को डिराइव कर पा रहे हो? क्या भूलोगे कभी भी? आंसर इज नो, कभी नहीं भूलोगे। ये तो स्कैम हो रहा है, एग्जैक्टली
ये गलत हो रहा है, बट किसी ने आवाज ही नहीं उठाया। बट मैं चाहता हूं आप जो नए पीढ़ी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, ये सब चीजों को सही करो, प्लीज मुझे वादा करो। मैंने किया था, मैं आपको मेरी जेन्युइन स्टोरी सुनाऊं, मैंने करने की कोशिश की थी एक जगह पे, कॉस्ट शुड बी चार्ज ऑन बेस्ड ऑन कंजम्पशन, लोगों ने मेरे पे गलत उंगली उठाई और मेरे को चुप करा दिया। मैं आपको बताऊं मेरी स्टोरी, आओ मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाता हूं, आइए आइए। स्कैम, ये देखिए मैं आपको बताता हूं मेरी स्टोरी, एग्जाम्पल नंबर 3, एसके की स्टोरी, एसके की स्टोरी सुनो मेरी। प्यारे की एक कहानी सुनो, एक एसके था, और तो कोई नहीं थी, पर ठीक है। नहीं बिंदास, यूटिलाइजेशन बोल। कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन, कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन। ले भाई इधर अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देता हूँ, वरना तुम लोग बोलोगे सर क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया। अरे भावनाओं को समझो यार। कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन, या आप लोग यहाँ पे लिख दो यूटिलाइजेशन तो भी चलेगा। चलो मेरी कहानी सुनाता हूं। तो मैं रहता हूं मुंबई में, मैं रहता हूं मुंबई में, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मैं जहां पे रहता हूं वो बिल्डिंग है 10 माला की, 10 फ्लोर्स की। ये जो कोलकाता वाले है ना, वो क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 10 फ्लोर्स का है बिल्डिंग है, ये लोग बोलते हैं 10 तल्ले का है, 10 तल्ले का। तो मैं भी कोलकाता इंडिया टूर के लिए गया था, तो मेरा जो फ्रेंचाइजी है बोलता है सर एक जगह पे लेके जाता हूँ, 19वें तल्ले पे रेस्टोरेंट है। मैं बोला क्या तल्ला तल्ला कर रहा है? बोला सर 19वें तल्ले पे है, मस्त एक रेस्टोरेंट है, उधर आपको लेके जाता हूँ। फिर समझ में आया, अच्छा फ्लोर बोलना भाई, तल्ला तल्ला कर रहा है कोलकाता वालों का। भी कोई है क्या इधर कोलकाता वाला तल्ला तल्ला? तो 10 तल्ले की बिल्डिंग थी ये। मैं तो इतना हंसा उठाएगा, तल्ला तल्ला क्या कर रहा है ये। तो है इधर कोलकाता वाला है क्या इधर तल्ला? क्या होता है तल्ला? 5 6 7 8 9 10। नेहा सिंघानिया बोल रही है सर मैं कोलकाता की हूँ। अच्छा एफा, ठीक है। तो तुम लोग में तल्ला बोलते हैं क्या रे कोलकाता? बंदा था मारवाड़ी, मतलब बंदा मारवाड़ी था, ऐसा नहीं कि वो बंगाली था वो मारवाड़ी, बट कोलकाता में बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, तो वो लोग में फ्लोर को तल्ला बोलते हैं। हाँ समझ गया मुझे, वो बाद में सर 19वें तल्ले पे लेके जाता हूँ। क्या क्या बोल रहा है भाई? चल ठीक है। अभी एनीवेज, तो 10 मुझे हंसी आ रही है, 10 तल्ले की ये बिल्डिंग थी, 10 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग थी बेसिकली। अब सुनो मेरी कहानी सुनो, 10 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग थी। अब बॉम्बे में ना ये एक रूल है कि अगर 4 फ्लोर्स के ऊपर होगी कोई भी बिल्डिंग तो आपको लिफ्ट लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अब ये जो लिफ्ट है वो क्या फ्री में चलेगी? नहीं, लिफ्ट का खर्चा आता है, कितना पता है? 10,000 रुपया पर मंथ। बिल्डिंग जो ये लिफ्ट का चार्जेस है किससे रिकवर करेगी? करेक्ट, कहना इसे जो रह रहा है उसके ऊपर। तो बिल्डिंग का जो हमारा मेंटेनेंस का बिल आता है ना, उसमें आता है लिफ्ट चार्जेस। 10 फ्लोर्स और हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, सो 10 रुपीज पर मंथ डिवाइड बाय 10 फ्लोर्स, ये आ जाता है ₹1,000 पर फ्लैट लेती है। सो टोटल 10 फ्लैट्स है, तो 10 फ्लैट्स है, 10 1,000 पर फ्लैट इज व्हाट द लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस आर। मैंने ये लिफ्ट मेंटेनेंस का बिल देखा, मैंने देखा कि अच्छा 1,000 पर फ्लैट ले रहे हैं, टोटल बिल कितना आ रहा है इनका? 10,000 का 1,000 पर फ्लैट ले रहे हैं। और मैं आपको पते की बात बताऊं, मैं रहता हूं पहले तल्ले पे, आई मीन मैं रहता हूं फर्स्ट फ्लोर पे, मैं रहता हूं फर्स्ट फ्लोर पे। आप मुझे बताओ मेरे दिमाग में क्या हुआ रहेगा, आप मुझे बताओ, मुझे समझ गए होगे आप लोग। क्या होगा मेरे दिमाग में? ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग होता था, मैं रहता था ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे, और मैं गया एक बार मीटिंग में, और मैंने मीटिंग में जाके बोला कि क्या ये लिफ्ट मेरा मेंटेनेंस चार्जेस मेरे को क्यों 1,000 रुपया चार्ज कर रहे हो? मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे, मैं तो रोज चल के जाता हूं, जो 10th फ्लोर पे उससे चार्ज करो ना। तो मेरे मम्मी और मेरी वाइफ और मेरे पापा और सब लोग बैठे थे, बोले क्या हो गया बेटा, तेरा धंधा बराबर नहीं चल रहा है क्या? क्या 1,000 रुपये के लिए ऐसा चिंदीगिरी कर रहा है? मैं बोला पापा बात वो नहीं है, पापा समझो ना, कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। बोला ए भाई ये सब ज्ञान है ना, तेरे क्लास में जाके बोल, हमारे को ये सब मत सिखा, 1,000 रुपये के लिए क्या तू ऐसे कर रहा है? और ऐसे करके एक मासूम कॉस्टिंग के प्रोफेसर को चुप करा दिया गया।
मित्रों आप मुझे बताओ क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने उनको बोला कि आप मेरे फर्स्ट फ्लोर पे मैं तो यूज ही नहीं कर रहा हूं, मत चार्ज करो। 10th फ्लोर वाला जो रोज यूज कर रहे हैं उसे चार्ज करो ज्यादा ज्यादा, ये 10,000 में से 6,000 तो उसे चार्ज करना चाहिए, वो इतना ज्यादा लिफ्ट का कंज्यूम कर रहा है। और लिफ्ट जितना इलेक्ट्रिसिटी बर्न होता है जितना चलता है उसी का चार्ज ही जाता है। पर एक मासूम से चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को चुप करा दिया गया। चलो ठीक है, बट आप लोग क्या आप लोग मेरे साथ हो? अगर आप गूगल ड्राइव वाले हो या यूट्यूब पे ये लेक्चर सुन रहे हो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग मेरे साथ हो। लाइव वाले हो आप लोग मुझे बताओ क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर मैंने उनको बोला कि मेरे से मत चार्ज करो, मैंने उनको बोला मैं साल में खाली एक बार जाता हूं 14 जनवरी को पतंग काय पोछे, बस उसके अलावा मैं लिफ्ट यूज ही नहीं करता हूं, तो उन्होंने बोला अरे ऐसे कैसे पता चलेगा कौन कितना यूज कर रहा है? अरे मैं बोला दुनिया चांद पे पहुंच गई है, क्या अपन इतना सिस्टम नहीं डाल सकते? आज व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सारी दुनिया से मैं एक सेकंड में कनेक्ट कर सकता हूं, तो क्या मैं ऐसा सिस्टम नहीं डाल सकता हूं? एक ऐसा कार्ड बना देंगे जो जितना यूज कर रहा है वो कार्ड पे उस इसका सिस्टम आ जाएगा, तो मेरे 10th फ्लोर वाले फ्रेंड ने जितना भी यूज किया उसके ऊपर आ जाएगा, उतना उसे चार्ज करो। अरे हर चीज पॉसिबल है टेक्नोलॉजी की वजह से। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी मेरी, बट पॉसिबल था और ऐसा ही होना चाहिए। मेरा वो 10th फ्लोर वाला है ना, वो भी कल से चलना चालू कर देगा। मारवाड़ी है साला, पैसा बचाने के लिए करेगा ही, 10 माला चढ़ेगा ही चलेगा, लिख के बताता हूं मैं। क्या बोलते हो मारवाड़ी दोस्तों? अरे मैं भी मारवाड़ी हूं ना यार, समझता हूं पैसा अपने लिए जरूरी है भाई। हाँ समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। हाँ वो 10वें माले वाला मेरा फ्रेंड है ना, वो उसका एक्सरसाइज का एक्सरसाइज हो जाएगा, पैसा भी बच जाएगा, लिफ्ट का खर्चा भी कम हो जाएगा, चल के जाएगा साला, मैं आपको लिख के देता हूं, मैं जानता हूं ना इन लोगों को। हाँ नहीं तो हाँ सही बोल रहे हो ना। अरे सिस्टम लगाने का कितना वन टाइम चार्ज लगेगा, वो सिस्टम तो तेरा 5 साल 10 साल यूज होगा ना, वो जनरल कॉस्ट में डाल देना यार। हाँ नहीं तो नो वन विल बाय हाउस ऑन 10th फ्लोर, ऐसा नहीं है। बॉम्बे में क्या सिस्टम है पता है, जैसे जैसे फ्लोर बढ़ते जाता है ना वैसे वैसे उसका कॉस्ट बढ़ते जाता है, तो तुम फ्लोर वाइज कॉस्ट बढ़ा रहे हो तो लिफ्ट का चार्जेस भी फ्लोर वाइज लो ना, जिसको ऊपर लेने का है वो करेगा खर्चा या वो चल के जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना, हेल्थ का हेल्थ, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज, पैसे का पैसा, बचत, टिंग टिंग टिंग। बट ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं सुनी, बट मुझे पता है कि ये जो मेरे दोस्त है ये एक रेवोल्यूशन लाएंगे कॉस्टिंग में, और ये समझाएंगे सारी दुनिया को कॉस्ट शुड बी चार्ज ऑन बेस्ड ऑन कंजम्पशन। उस दिन मैं अकेला पड़ गया, बट जब मेरे ये सब दोस्त मेरे साथ आएंगे ना, अब जब हम मुट्ठी बन जाएंगे तब हम दुनिया को जवाब देके बताएंगे। क्या बोलता है पब्लिक, यस और नो? सब जगह ऐसा ही होता है। एनीवेज कहने का क्या मतलब है वो समझ में आया क्या? एग्जाम्पल पे ज्यादा घुस मत जाओ, कॉन्सेप्ट को समझे क्या भाई, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए समझ गुड़ू राइट। सो आज अपन लोग ने क्या सीखा, और ये जो जो भी अपन लोग ने तीनों एग्जाम्पल और सीखा है ना, इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूं हर एक चैप्टर में, तो यूज होने वाला है। एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम के टाइम पे जब अपन एक कॉन्सेप्ट करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तब यही वाले एग्जांपल कनेक्ट होंगे, तो ऑलमोस्ट आप समझ लो वो चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट अपन लोग ने इनडायरेक्टली यहाँ पे कर लिया है। जी हाँ। चलो ग्रेट है, ग्रेट है प्रिया जी, बहुत बढ़िया। चलो आई होप वी आर ऑल क्लियर विद दीज कॉन्सेप्ट। क्या समझ में आया आप लोग सब लोग को? क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि आप लोग को सब चीजें समझ में आ रही है, एग्जाम्पल सब समझ में आ रहा है? अरे बोलो बोलो, चल चल। चलो डन है डन है डन है डन है, परफेक्ट। चलो सो आई हैव टोल्ड यू ऑल पहले भी कि ऐसे ही मैं करूंगा, मजा करते करते अपन लोग एग्जांपल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट डिराइव कर लेंगे, और ऐसा डिराइव करेंगे मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं ये एग्जांपल और ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे।
ऑलवेज। दूसरा, जब भी अपन कोई नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मैं पहले जो भी अपन लोग ने कल किया है उसको रिवाइज करवाऊंगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, बस अभी खत्म ही कर रहा हूं, और एक एग्जांपल देता हूं आर्टिकल क्लर्क का। आर्टिकल क्लर्क का, ये जो आर्टिकल क्लर्क है ना, अब मेरा फर्म है, से फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, यहां पे सब ईयर टू आर्टिकल वाले हैं, ईयर टू आर्टिकल वाले हैं। आपको पता है इसमें ना एक आर्टिकल क्लर्क है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। ये जो ए आर्टिकल क्लर्क है ना, बोलते हैं सर मेरा 7 से 10 क्लास है, सर मेरा 6 से 9 क्लास है, तो साला आता ही 11 बजे, 4 बजे निकल जाता है। ये जो बी है ना, ये कुछ और बोलता है, ये आता है 12 बजे, 5 बजे निकल जाता है। ये सी वाला जो है ना, सुबह 8 बजे आता है, रात को 8 बजे तक रहता है। ये जो डी वाला है ना, ये भी सैटरडे संडे को भी आता है। अब होता क्या है, ये ए और बी काम नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे, खाली क्लास क्लास बोल के आ रहे, जल्दी जा रहे। बट प्रॉब्लम क्या है, इंस्टीट्यूट का रूल क्या है, सबको सेम पैसा देने का। ये चारों के चारों सेकेंड ईयर आर्टिकल को स्टाइपेंड मिलता है 4,000 रुपया पर मंथ, जबकि सी और डी इतना मेहनत कर रहा है, ए और बी फोकट का इतना सारा स्टाइपेंड लेके जा रहा है। क्या ये सही है मित्रों? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। बट हो रहा है ऐसा, आप लोग तो आर्टिकलशिप कर रहे हो, कर चुके होगे, क्या आप लोग ने ये चीज नहीं नोट की है? सेकेंड ईयर आर्टिकल या सेम ईयर आर्टिकल को सेम स्टाइपेंड मिलता है, काम कितना अलग अलग करना पड़ता है कई बार, और इसी की वजह से है ना ये प्रॉब्लम आता है। अब ये सी और डी डिमोटिवेट हो जाएंगे काम करने के लिए, और उसको लगेगा हट ए और बी काम नहीं कर रहे, फिर भी उतना ही मिल रहा है, मैं भी काम नहीं करूंगा, एंड इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। इसी के साथ मैं और एक कॉन्सेप्ट आप लोग को दिखाना चाहता हूं, क्या पता है, कॉस्ट के जगह पे यहां पे मैं लिखना चाहता हूं रेवेन्यू शुड बी गिवन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। जी हां, क्या बोलता है पब्लिक, समझ में आया एग्जांपल? एक तो कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन कंजम्पशन, बट रेवेन्यू भी अगर आपको किसी को देना है, किसके बेसिस पे देना चाहिए? परफॉर्मेंस के बेसिस पे देना चाहिए। हार्श रियलिटी है ना ये, उसमें से आप लोग में से कुछ लोग ए बी कैटेगरी के भी हो, सच्चे बोलो, और कुछ लोग सी डी कैटेगरी के भी हो, जिनको दिल दुखता होगा उनका, दैट्स हाउ इट इज। क्या बात है फरीन जी, बहुत बढ़िया। रेवेन्यू शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट शुड बी बेस्ड ऑन कंजम्पशन। चलो ग्रेट, इसी के साथ मेरे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग का, जो पब्लिक को नहीं पता होता है, वो डिराइव कर चुका हूं। अब एक लास्ट आप लोगों को मैं खाली प्रैक्टिकल चीज बता दू, कंपनी का नाम था सुभिक्षा। इस कंपनी का सुभिक्षा रिटेल, जैसे अपना डीमार्ट है ना, वैसे ही ये कंपनी 2001 में एक आईआईएम आईआईटी ग्रेजुएट था बंदा चेन्नई का, उसने ये सुभिक्षा रिटेल करके कंपनी है चालू की। 2007 तक इस कंपनी का, 2007 में इस कंपनी का टर्नओवर था 3,000 करोड़। जी हाँ, इस कंपनी में इन्वेस्ट किसने किया था पता है? इस कंपनी में इन्वेस्ट किसने किया था? अजीम प्रेमजी, द ओनर ऑफ विप्रो। अजीम प्रेमजी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, हु इज द ओनर ऑफ विप्रो। विप्रो, विप्रो ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। 2007 में इस कंपनी का टर्नओवर था 3,000 करोड़। अब आप, मैं आपको शॉकिंग बात बताऊं, और बंदा आईआईटी आईएम का था, 2008 में दिस कंपनी गॉट बैंकरप्ट। सोचो, आप सोच सकते हो आपकी कंपनी 3,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है और 2008 में बैंकरप्ट हो जाए, क्यों पता है? खाली एक चीज की वजह से, एंड दैट थिंग वॉज इनकरेक्ट चार्जिंग ऑफ कॉस्ट। यस, इनकरेक्ट चार्जिंग ऑफ कॉस्ट। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है करेक्ट चार्जिंग ऑफ कॉस्ट? 3,000 करोड़ की कंपनी, रातों रात गेम ओवर। That's it. Only one reason. So, इसके लिए बोला, तभी रियलाइज हुआ वो टाइम पे, that costing plays a very important role in development of your business. And आज अपन लोग ने जो चीज derive की है,
वो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा एज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट नोट्स. क्या? दैट कॉस्ट्स. एवरीबॉडी विद मी, जहां पे भी हो एवरीबॉडी स्टार्ट एंड टेल दैट कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन कंजम्पशन. कौन सा वाला एग्जाम्पल आप याद रखोगे यहाँ पे? रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल याद रहेगा आपको. यस सर. बैंक वाला? यस सर. लिफ्ट वाला? यस सर. एंड दूसरा, रेवेन्यू शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. रेवेन्यू शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. ए समझिगड़ू. एग्जैक्टली, दिस इज द कॉन्सेप्ट बेस अपन लोग ने आज ले डाउन कर दिया है. कॉस्टिंग का बेसिक्स आप लोग को बता दिया है, अपना अप्रोच क्या होने वाला है बता दिया है. कल से अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, जो हर अटेम्प्ट में मिनिमम 10 मार्क्स टू 15 टू 20 मार्क्स के लिए आया 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 ही है. कल मिलूंगा मैं आप लोग के साथ शाम को 6 बजे, शार्प 6 बजे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको. दूसरा, कल जो भी अपन लोग करने वाले हैं उसके पहले मैं रिवीजन करवाऊंगा, तो जो भी चैप्टर करवाऊंगा उसके पहले रिवीजन करवाऊंगा. दिस इज माय प्रॉमिस, डोंट वरी फॉर दैट एट ऑल, राइट? एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच. कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा. कुछ भी आप लोग को नोट्स वोट्स चाहिए टेलीग्राम से मिल जाएगा. एंड लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स. व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोग को दे दिया है. रिकॉर्डेड कैसे व्यू कर सकते हैं, कल आप लोग को मेल आ जाएगा. यू विल गेट इट आफ्टर दैट. यस हर्ष, आई विल ट्राई माई बेस्ट, डोंट वरी. चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. कीप गोइंग स्ट्रांग. बस अभी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ला के अच्छी तरह से अपने को स्कोर करना है. डन. बैकअप एंड एवरीथिंग आप लोगों को कल मेल पे आ जाएगा, सो उसके लिए आप टेंशन मत लो. चलो, आज फर्स्ट डे है, कोई होमवर्क नहीं, फन सेशन, सीखने को भी मिला, इंफॉर्मेटिव भी था. कल से हाई लेवल भी जाएंगे अपन, होमवर्क भी मिलेगा, मजा भी आएगा. ठीक है, चलो, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस. थैंक यू फॉर द अमेजिंग सेशन, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स. ऐसे ही करते रहना एंड आई एम श्योर वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. यस श्योर. नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो. चलो, थैंक यू सो मच फॉरम बॉन्नुई. हास्ता ला विस्ता, बाय. और कुछ डाउट हो, कुछ भी हो पूछ ले. चलो, बाकी ये मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ, तो वो नोट्स आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना. एज सच मैंने इधर कुछ लिखवाया नहीं है जो आप लोग को बहुत लिखने की जरूरत हो, फिर भी आप लोगों को लगता है नोट्स है आप लोग के पास, आप लोग लिख लेना. कल से मैं आपको बताते भी जाऊंगा, आप लोग लिखते भी जाना, सो उस हिसाब से अपन कोऑर्डिनेट करते जाएंगे. चलो डन, ठीक है, ओके. थैंक यू सो मच वंशिका जी. श्योरली सालडी, श्योर. थैंक यू. हास्ता ला विस्ता.